दोस्तों केंद्र सरकार ने लगभग 6,800 करोड़ की दो नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया है। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों पिछले कई वर्षों से जो यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट था सरकार के लिए, लोगों के लिए, उसको रेलवे ने मंजूरी दे दिया है। केंद्र सरकार ने इसको हरी झंडी दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर 6,800 करोड़ रुपए की लागत से ये दो नई रेल लाइने कहाँ से कहाँ बिछेंगी, इनसे क्या फायदे मिलेंगे, किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ा रही है रेलवे, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड यहाँ पर जानते हैं बिछने जा रही दो नई रेल लाइनों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते गुरुवार को दो प्रमुख रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अपनी तरफ से मंजूरी दे दिया है। इन परियोजनाओं की जो अनुमानित लागत है, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो है लगभग 6,798 करोड़ रुपए। और इनका जो उद्देश्य है वो बिहार और आंध्र प्रदेश में रेल की जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करना है। वही दोस्तों बात कर ले रेल परियोजनाओं के बारे में कि ये लाइनें कहां से कहां बिछेंगी, तो इसमें जो सबसे पहली रेल लाइन है वो बिहार के जिले पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज जंक्शन से रक्सौल होते हुए सीतामढ़ी, देन दरभंगा, उसके बाद सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंडों का जो दोहरीकरण है उसके लिए टोटल 256 किलोमीटर की जो रेल लाइन है, नई रेल लाइन है, इसको यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। और इसके साथ ही अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अमरावती के रास्ते एरुपलेम और नम्बरू के बीच लगभग 57 किलोमीटर की जो नई रेल लाइन है, इनके निर्माण के लिए रेलवे ने फाइनली अपनी तरफ से जो मंजूरी है उसको दे दिया है। दोस्तों एक्चुअली बिहार में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण से नेपाल और पूर्वोत्तर भारत और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ जो संपर्क है उसमें काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे जो यात्री हैं और इनके साथ जो माल गाड़ियां हैं, इन दोनों के लिए सुगम आवागमन की जो सुविधा है वो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। सरकार ने एक बड़ा बयान में कहा है कि इसे यात्रा और परिवहन को और भी अधिक कुशल बनाकर पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश में नई स्वीकृति रेलवे लाइन एनटीआर विजयवाड़ा और गुंटूर जिलों से होकर गुजरेगी, जबकि तेलंगाना के खम्भम जिले से ये जो रेल लाइन है वो यहाँ पर गुजरने वाली है। इस नए कनेक्शन से क्षेत्रीय संपर्क में काफी सुधार होगा और खास तौर पर उद्योगों को लाभ होगा, और यहाँ पर जो स्थानीय आबादी है उनके लिए भी जो गतिशीलता है वो ये नई रेल लाइन लेकर आएंगी। दोस्तों केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के लिए दोहरीकरण परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला है, जो कि उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर को रणनीतिक संपर्क प्रदान करेगी। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना में लगभग 40 प्रमुख जो पुल हैं उनका निर्माण यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि भारत नेपाल सीमा पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन गलियारा तैयार करेंगे। यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉरिडोर है वो यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर ये नई रेल लाइन साबित होगा। वहीं अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी कहा कि आज मिथिलांचल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको फाइनली कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। बाकी दोस्तों मिथिलांचल में जो नई रेल लाइन है जिसकी शुरुआत नरकटियागंज से होगी, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उत्तर बिहार और जो मिथिलांचल के लोग हैं उनके लिए बहुत ही एक जो अच्छी कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर ये जो परियोजनाएं हैं वो भारतीय रेलवे नेटवर्क को लगभग 313 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के तीन राज्यों के 8 जिलों को कवर करेंगी। वहीं दोस्तों सरकार का जो एस्टिमेट है वो इन परियोजनाओं को पूरा होने में 5 साल लगेंगे, ऐसे जो अभी रिपोर्ट है वो अभी के लिए सामने आ रहे हैं, जिससे कि आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध होगा, जिससे कि जो यात्रा का समय है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, और यहाँ पर रसद लागत में भी कटौती होगी और यहाँ पर तेल आयात पर भी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा इनसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो भी कम होने की उम्मीद जताया गया है, जो कि भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों केंद्र ने कहा है कि इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने का जो बड़ा अनुमान है वो भी लगाया गया है, जिससे कि निर्माण चरण के दौरान लगभग 10.6 मिलियन मानव दिवस रोजगार का जो सृजन है वो यहाँ पर होने वाले है। यानी कि ये जो नई रेल लाइनें हैं वो अपने साथ नए रोजगार को भी लेकर आएगी। दोस्तों सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि रेल परियोजनाएं कृषि उत्पादों, उर्वरकों और कोयला और साथ ही इस्पात जैसी जो वस्तुएं हैं उनके परिवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इन परियोजनाओं से होने वाली क्षमता वृद्धि से पर ईयर 31 मिलियन टन एक्स्ट्रा जो माल यातायात है उसको संभालने के लिए भारतीय रेलवे कैपेबल हो जाएगी, और जो आपूर्ति साइकिल है उसमें भी काफी सुधार होगा, और आर्थिक विकास को भी ये जो नई रेल लाइनें हैं बिहार और आंध्र प्रदेश में वो काफी हद तक बढ़ावा देगी। वहीं इन परियोजनाओं के पर्यावरण से जुड़े लाभ भी महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन का अधिक ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, और इन पहलों के होने के कारण CO2 का जो उत्सर्जन है वो भी यहाँ पर कम होगा, जो कि यहाँ पर अनुमानित 168 करोड़ किलोग्राम है, जो कि यहाँ पर 7 करोड़ नए पेड़ लगाने के बराबर होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर रेलवे लगातार अपना जो नेटवर्क है, रेलवे की जो लाइन है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और यहाँ पर बिहार और आंध्र प्रदेश में ये जो दो नई
नई रेल परियोजनाएं हैं, इनको मंजूरी देने के साथ ही रेलवे ने यहाँ पर 313 किलोमीटर जो नई रेल लाइन है इनको बढ़ाने की दिशा में जो काम है उसकी शुरुआत कर दिया है। यानी कि जो दोनों नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनके कंप्लीट होने के साथ ही रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है उसमें 313 किलोमीटर की जो बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर खासकर बिहार के लिए ये जो सारे प्रोजेक्ट है वो एक पूर्वे से ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे थे, जिसको फाइनली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया है, जिसके कारण दोस्तों जो उत्तर बिहार के लोग हैं उनमें एक खुशी का माहौल है। एंड यहाँ पर नरकटियागंज से सीधे ही दरभंगा का जो जुड़ाव है वो डबल लाइन के माध्यम से काफी आसान हो पाएगा, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी एंड यहाँ पर माल ढुलाई में भी काफी आसानी होगा। और यहाँ पर इसे एक जो प्रॉपर कॉरिडोर है भारत नेपाल सीमा पर उसके तर्ज पर रेलवे यूज करने वाली है। बाकी यहाँ पर उत्तर बिहार में ये जो नया रेल लाइन बनेगा लगभग 256 किलोमीटर लंबा, उनको बनाने के क्रम में टोटल जो 40 ब्रिजेस हैं वो भी रेलवे यहाँ पर बनाने वाली है। बाकी दोस्तों आने वाले 5 सालों में ये जो दोनों नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनको पूरा करने का जो टारगेट है वो रेलवे ने सेट कर दिया है। और बाकी दोस्तों यही था 6,798 करोड़ रुपए का दो नई रेल लाइन परियोजनाओं के मंजूरी मिलने का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो दोनों नई रेल लाइन परियोजनाएं हैं इनके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। बाकी दोस्तों आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।